नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर की खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान के मुआवजे को लेकर हरियाणा पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ कूच किया था, जिसे रास्ते में रोक दिया गया। इस सिलसिले में बड़ी संख्या में किसान नेताओं को पहले दिन ही हिरासत में ले लिया गया था। वर्तमान बाढ़ से पहले की खराब हुई फसलों का मुआवजे की मांग को लेकर हिसार में पक्का धरना काफी समय से चल रहा है, तो सिरसा में भी कई दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खेती बाड़ी के साथ आंदोलन करना भी किसानों की नियति बन गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर किसान आंदोलन करने को क्यों मजबूर है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र फोगाट, अमित नेहरा और ग्रामीण आर्थिकी के अध्ययनकर्ता तरुण राठी। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे समेत पैनल के सभी सदस्य किसान परिवारों से हैं और आज भी सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल वीरेंद्र फोगाट से। वीरेंद्र, ऐसा लगता है कि खेती के साथ आंदोलन करना भी किसान का जरूरी काम हो गया है। कभी खाद बीज के लिए, कभी बिजली पानी के लिए, और जब फसल पक जाए तो उसके उचित मूल्य के लिए, और प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों आदि को लेकर किसानों को बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं, इसके पीछे क्या मामला? देखिए धनकर साहब, ये आपका कहना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल समीचीन है कि किसानों को जो है खेती के अलावा, अपना घर चलाने के अलावा धरना प्रदर्शन करना भी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। ऐसा लगता है हालात देखकर कि किसानों को जो है खेत में या सड़कों पर ही रहना है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत का जो है जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन या जो रोजगार जिसको आप कहते हैं, वो कृषि जैसे विषय से ही जो है वो आता है। आज भी भारत में आधी से ज्यादा जनता जो है अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि किसान को देखिए, आप पहले तो मौसम की मार झेलनी पड़ती है जी। फिर खाद बीज दवाइयों के लिए लाइन में लगना और समय खराब करना, और उसके अलावा सारा परिवार विद जो है मजदूरों के उसे खेती में लगाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, फिर मौसम की मार, और फिर जो है मंडी का प्रहार। अब आप ये देखिए, अभी जो है टमाटर का इशू जो है वो देश में एक बड़ा ज्वलंत इशू बन गया था कि जिसमें 250-300 रुपए किलो तक जो है टमाटर पहुंच गया था। अब थोड़ा ठीक है, लेकिन अब प्याज के ऊपर वही स्थिति जो है पैदा हो गई है। तो किसान जो है, जब किसान को मूल्य लगने की मिलने की बात होती है तो कोई भी जो है, सरकार लगा लीजिए या व्यापारी वर्ग लगा लीजिए या उद्योगपति है, वो अपना हिस्सा, उसका किसान का जो वाजिब मूल्य है उसकी मेहनत देने को तैयार नहीं है, उसे उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। और अब ये एक और जो है नई चीज या नई परिपाटी या एक ऐसा चलन आ गया है कि किसान को अपने मुआवजे के लिए, देखिए किसान जो है वो खेती करके अपना सामान बेचे और अपना घर चलाए, इतना तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसे मुआवजा लेना है या फसल में जो नुकसान हुआ है या बीमा राशि के लिए भी उसे जो है, पहले बात तो ये है कि बीमा के लिए मजबूर किया गया है कि उसे किस्त भरनी पड़ेगी, और बीमा कितना मिलता है, किस तरह क्लेम जो है ये एजेंसी बीमा की कंपनी कर रही है, ये सबको मालूम है। और दूसरा, ये जो पोर्टल शुरू किया गया है, खेत में अगर नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है तो वो खेत में खड़ा हुआ है कि उस चित्रों को या उस ब्योरे को अपलोड करें, अगर नेटवर्किंग की समस्या है तो उसको अपलोड नहीं कर पा रहे तो काउंट नहीं होगा, और इस तरह के नियम बना दिए गए सारे के सारे जो है कंपनी के और सरकारों के फेवर में है। और किसान के लिए स्थिति यह बन गई है कि उसे जो है धरना प्रदर्शन। अब आप देखिए कि पीछे हिसार में एक जो है धरना पक्का मोर्चा लगा था, फतेहाबाद में सिरसा के आसपास जो किसान है वो मुआवजे के लिए, और अब ये चंडीगढ़ में जो कूच हुआ था इसमें भी जो है किसानों ने बाढ़ से, देखिए पूरे मीडिया में, पूरे जो है समाज में, हर किस्म के मीडिया पर ये चीजें अवेलेबल है कि हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। लेकिन मजबूरी ये है, हालात देखिए आप, कि उनको मजबूर कर दिया गया है सरकार द्वारा कि उन्हें चंडीगढ़ में कुछ करना पड़ता है जी। या इसके लिए सरकार में जो है सराहरी कर्मचारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग है, पटवारी है, गिरदावर है, कानून है, एसटीएम है, तहसीलदार है, बहुत सारी एक अमला का अमला पूरा है, लेकिन मजाल क्या कि किसान की कोई सुने, और बड़ी बदतर हालात में किसान है कि उसे करना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अमित जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित,
आप बताइए क्यों किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन के चल लगातार चलते रहते हैं, आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए धनखड़ साहब, मैं तो एक बात कहूंगा इस सारे प्रकरण के बारे में, कि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ब्रेसिंग इन डिसगाइज। आप हिंदी में ये कह सकते हैं कि कुबड़े को लात लगना या आपदा में अवसर, तो इस तरह का उसका हिंदी में उसका अनुवाद होगा। वजह यह है कि जो तीन कृषि कानून आए थे, उन्होंने, उनके विरोध ने हमारे कृषि संगठनों को, हमारे किसानों को काफी हद तक संगठित कर दिया। इससे पहले क्या था कि संगठित नहीं थे किसान, अब वो जागरूक हो गए हैं और सोशल मीडिया ने भी उसमें काफी अपना योगदान दिया है जागरूक होने में, क्योंकि एक ही कॉल पे पूरे गांव के किसान इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे ब्लॉक के किसान इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे जिले के किसान इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे राज्य के किसान इकट्ठे हो जाते हैं। तो सरकार का रवैया ये रहा है अभी तक कि जब तक सिर पे ना पड़े तब तक काम करो इन मत, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो। तो एक नकारात्मक सा माहौल रहा है, काम करने का होता ही नहीं, भाई जो जेन्युइन बात है वो भी नहीं मानते। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका किसानी से डायरेक्ट संबंध भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी किसान लामबद्ध होके प्रशासन पे, शासन पे दबाव बना के उसको काम कराते हैं, और जो काम होने योग्य होता है, यानी वो एक जेन्युइन काम के लिए भी। तो सरकार की भी एक नियत सी बन गई है, जब तक लोग इकट्ठे ना हो तब तक वो काम करती नहीं। तो जागरूकता आई है, मैं तो ये कहूंगा पहले की अपेक्षा अच्छी बात है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, देखिए अभी बात हुई थी कृषि का योगदान, निश्चित तौर पे कृषि का विश्व में आज भी योगदान है, क्योंकि बिना खेती के, बिना अनाज के और बिना जानवरों के आदमी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन औद्योगिक क्रांति से पहले की कृषि का युग देख लो, औद्योगिक क्रांति के बाद का कृषि युग देख लो, बेशक हमारी नीड तो है कृषि और किसान, आवश्यकता तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान है वो नगण्य सा हो गया है जी। और मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, मैं जितने भी विकसित देश हैं संसार के, तो आप ध्यान दीजिए किसी की भी जो रीढ़ है वो कृषि नहीं है या कृषि उत्पादन नहीं है। उनका जो पैसा आता है जिस कारण से विकसित है वो और ही है, जैसे डिफेंस आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है ना, प्रोडक्शन होगी, कृषि द्वयम दर्जे का व्यापार रह गया। तो उसकी वजह ये है कि वाजिब मूल्य ना मिलना कृषि को, जो कृषि का जो प्रोडक्ट है, भाई अनाज है, गेहूं है, जो भी है, वही बात है। आज जो लड़ाई सबसे बड़ी है किसान के सामने, भारत के किसान के सामने, तो MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जी। भाई हमें कम से कम ये तो पता चले कि हम जो चीज बोएंगे, हम जिस चीज का उत्पादन करेंगे उसके MSP हमें कम से कम पहले तो पता हो कि उस बिकेगी कितने में। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जो जो इस तरह की घटनाएं होंगी, किसान संगठित होंगे, और इसमें हमें वही बात है, सकारात्मकता भी देखनी चाहिए। चीजों का असर होता है, ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। तो किसान की जो चेतना है, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें BJP गवर्नमेंट ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने एक अहम भूमिका निभाई है। जो एनलाइटनमेंट हुआ है किसानों में, जो तीन कृषि कानून लेके आए ये, तो उसके बाद से आप परिस्थितियां देखें, अगर 10 साल पहले की परिस्थितियां देखें उससे और आज की परिस्थितियां देखें, दिन रात का फर्क है। भाई किसान जागरूक हुए हैं और चीजें इस तरह ही बनेंगी आगे। भाई देखो अंजाम क्या हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आगाज ठीक है, किसान जागरूक हो रहे हैं। जी धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तरुण हमारे साथ है, तरुण से भी हम एक टिप्पणी ले लेते हैं। तरुण, हर सरकार दावे करती है कि
कि वो किसानों की भलाई के लिए समर्पित है। मोदी सरकार का दावा है कि उसने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, फिर भी किसान संतुष्ट क्यों नहीं है? उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार जो है किसानों के हित में बहुत कुछ करने का दावा करती रही है। क्या धरना प्रदर्शन करना किसानों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, या फिर उनके सामने परेशानी और संकट ही बेसुमार है? सभी वरिष्ठ पैनलिस्टों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपने इसमें दो सवाल करे हैं। पहला सवाल ले लेते हैं कि क्या कहा गया और क्या किया जा रहा है। जी, जो वर्तमान में दावे आय दुगनी के किए जाते हैं, उस पे सरकार का खुद का आंकड़ा सरकार के मानसिक और व्यावहारिक दोगलेपन को उजागर करता है। सरकार का खुद का आंकड़ा ये कह रहा है कि 2014 के समय में किसान की जो आय थी, उस आय में से फसल से जो उसको पैसा आता था, उसकी हिस्सेदारी 48% थी और बाकी पैसा वो किसी अन्य काम से आता था, चाहे वो कहीं पर कोई मजदूरी कर रहा हो या किसी कंपनी में जा रहा हो, ये स्थिति थी। लेकिन अब क्या स्थिति बन गई है कि वो जो 48% डायरेक्ट फसल बेच के आता था, वो घटकर अब 37% से 38% पे आ गया है। तो ये कैसे आय दुगनी हुई, यही नाटकों से खेलना बीजेपी का कल्चर है, उनका स्वभाव है। दूसरी बात यह है कि जो बातें सरकारों द्वारा किए जाते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं, सभी पार्टियां वादा कुछ और करती हैं और सत्ता में आने के बाद पता नहीं वो कैसे किसान हितैषी से बदल कर कॉरपोरेट हितैषी में बदल जाती है। सबसे पहला निर्णय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बैठे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहला निर्णय अपनी कैबिनेट में जो लिया था, वो ये लिया था कि किसानों को फसल का जो बोनस मिला करता उसको बंद करा इन्होंने, तो भाई ये कौन सा हित है। दूसरी बात है जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं फुगाट, जिन्होंने प्याज का उदाहरण दिया, आज वर्तमान के अंदर प्याज की जो स्थिति है नासिक के किसानों से आज ही मेरी बात हुई है, ये क्यों हो रहा है? हमें पहले इसके मूल को समझना होगा। इसमें दिक्कत दो है जो मैं समझ पाया। पहली चीज ये है कि आज मैं राजस्थान में और यहाँ के भी कई किसानों से मिलना हुआ, बातचीत हुई, और किसान नहीं कहूंगा मैं, गाँव के लोगों से मिलना हुआ, क्योंकि गाँव को समेकित रूप से देखने की जरूरत है। वहां पे जो मूलभूत चीजें हैं वो लड़ाई गांव और कॉरपोरेट की है। जब ये एक व्यापक और वैचारिक विषय बनेगा उसके बाद ही ये चीज सोल्व होगी, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगी। अब जो रही बात है आंदोलन की, वो मजबूरी बन गया है क्योंकि लगातार जो धारणे ने दिया है कि विकसित देशों के अंदर एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, भाई वही स्थिति बनाने के लिए कानून आए थे। उन कानूनों में अब आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें एक आदमी का खुलासा हुआ, शरद मराठे का, कौन है शरद मराठे? शरद मराठे एक NRI है जो किससे ताल्लुकात रखता है, जो नरेंद्र मोदी के जितने भी विदेश दौरे होते हैं उन विदेश दौरों के लिए जितनी भी सभाएं वहां पे विदेशों में की जाती है उसका जो संचालन करता है वो उसका मित्र है। और 2017 में वो व्यक्ति नीति आयोग को चिट्ठी लिखता है कि भारत के अंदर इनकम डबल करने की जो ये नारा है ये भी बड़ा सोच समझ के दिया गया है। इसमें दुगनी करने के नाम पर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कॉरपोरेट हवाले करने की व्यवस्था का निर्माण करना था इन्होंने। जो इस व्यक्ति का कृषि से कोई लेना देना नहीं है, वो इस देश में रहता नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, वो एक लेटर नीति आयोग को लिखता है ऑनलाइन, उसी का ईमेल पढ़ लिया जाता है, या जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इतने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो कोई नीति आयोग का ईमेल लिख दे तो 2 साल तक उनका जवाब नहीं आएगा। लेकिन शरद मराठे की ईमेल को तुरंत पढ़ के उसको जवाब दिया जाता है। उस व्यक्ति के ही नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन होता है, उसके बाद मिनिस्ट्री के पैरेलल वो जाकर कॉरपोरेट घरानों के साथ बातचीत करता है, और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर जो लिमिटेशन थी होल्डिंग करने की, उस होल्डिंग को हटवाते हैं। कौन हटवाते हैं? वो कॉरपोरेट घराने हटवाते हैं अडानी जैसे, और मैं उन कॉरपोरेटों का खुलकर नाम लेना चाहूंगा आपके इस मंच के ऊपर। उसमें अडानी इन्वॉल्व था, उसमें अमेजोन इन्वॉल्व था, उसमें बिग बास्केट इन्वॉल्व था, उसमें बाबा रामदेव का पतंजलि भी इन्वॉल्व। तो ये जो एक गठजोड़ बनाया जा रहा है कॉरपोरेट का, तो ये एक वैचारिक और व्यापक लड़ाई मुद्दों के आधारित गांव नहीं लड़ेगा। तो जो पहले गांधी जी के टाइम पे कहा जाया करता कि देश में 7 लाख गांव है, वे गठ के 1.5 रहेंगे, तो यह चीजें ऐसे ही चलेंगी अगर इनकी व्यापकता से जन आंदोलन इस पर नहीं होगा। और नहीं तो ये जो वर्तमान में छोटे छोटे विषय आते रहोगे, किसानों का समस्या आती रहोगी, वो इन्हीं में उनको उड़ जाया रखा जाएगा। ये सरकार की नीति है कि इन्होंने थका दो,
भाई 1.5 साल लगभग 1.25 साल तक जो आंदोलन चला उसमें क्या रणनीति थी कि भाई थका दो चले जाएंगे यहाँ से जी। तो इनकी यही तरीका है परेशान करने का, और कॉरपोरेट हर आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, बाढ़ में भी उन्होंने अवसर ढूंढा है। मैं एक चीज जागरूकता के लिए बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि जो ये जितनी भी क्लेम कंपनियां बना रखी इंश्योरेंस की, इसमें फसल बीमा के तहत हुआ है, जो खुलम खुला एक लूट की व्यवस्था। अब आप इसमें मेरी एक चीज देखिए कि जब किसान उसमें प्रीमियम देता है तो वो किस हिसाब से दे है, उसके पास प्रति एकड़ जमीन कितनी है, लेकिन जब वो उस गांव में कोई बाढ़ आ जाएगी, कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा होगी, तो कंपनी क्लेम किस आधार पर दे रही है कि भाई उस गांव को एक यूनिट मानकर जब उसमें 75% नुकसान हो लेगा वो जब देगी, तो ये कौन सा तरीका है? तो सर आप गांव में ही यूनिट मानकर वो ले लो प्रीमियम, भाई प्रीमियम प्रति एकड़ के हिसाब से जब किसान को उनको देना होगा, जब पूरा गाँव एक यूनिट बना दिया जाएगा, तो ये दोहरे मापदंड है, ये कॉरपोरेट की व्यवस्था है, उसी के कारण ये चीजें हो रही है। और देश के अंदर गांव भी एक विचारधारा बची है जो इन मूलभूत विषयों पर लड़ाई करने में सक्षम बनाए रख सकती। वीरेंद्र, अभी कल हरियाणा और पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया था, किसानों की मुख्य मांग क्या है और सरकार से किसान नेताओं की क्या बातचीत हुई? देखिए धनकर साहब, इसमें जो है प्रति एकड़ जो बाढ़ से नुकसान हुआ उसमें 50,000 रुपए जो है प्रति एकड़ मुआवजे की मांग थी, और बाढ़ की वजह से या इस आपदाओं की वजह से जितनी मृत्यु हुई है उसमें जो है 10 लाख रुपए जो है उसके परिजनों को दिए जाएं, और भी कई इस किस्म की मांगे। अच्छा, एक और जो है बात मैं करना चाहता हूँ, जो अमित नेहरा जी ने कही या तरुण राठी भाई ने कही कि ये जो अवेयरनेस या अलर्टनेस या एनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं, किसानों में जो जागरूकता आई है, आप ये देखिए कि ये जागरूकता किसानों को कितनी भारी पड़ रही है, कितनी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। ये कृषि विरोधी कानून जो शरद मराठे का जिक्र किया इन्होंने, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, वो बिल्कुल साफ साफ जाहिर करती है कि सरकार जो है कृषि का कारपोरेटीकरण करने पर तुली हुई थी। ये तो हमारे किसानों को समझ आई और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के चलाया, उसमें लगभग 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, शहादत पाई उन्होंने, तब जाके वो कृषि कानून वापस हुए और 1.25 साल तक किसानों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो आंदोलन चलाया। और इसकी एक और बड़ी कीमत किसान क्या चुका रहे हैं आज, कोई भी आंदोलन हो कृषि के लिए जो उनका हक है उसके लिए उसे आंदोलन करना पड़ता है, अपना समय उसमें लगाना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, चोट खानी पड़ती है, मृत्यु तक हो जाती है, और इसके बाद मुकदमे झेलने पड़ते हैं। आप ये देखिए कि अपना वाजिब हक मांगने के लिए किसानों को कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी कीमत अदा कर रही है, करनी पड़ रही है, ये भी एक देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि किसान ठीक है, वो अवेयर हो गया, अलर्ट हो गया, अपनी मांगों के लिए वो लड़ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जिन पार्टियों को किसान मूवमेंट से या किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुए उसको वो किस तरह भुनाती है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, ये किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और पंजाब के किसानों ने दिल खोल के इनको वोट दिया है और इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार जो वहां बनाई गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये चंडीगढ़ कूच का आह्वान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है, इसमें देखिए पंजाब पुलिस ने भी और हरियाणा पुलिस ने लगभग सेम टाइम साइमल्टेनियसली किसानों को उठाया, किसान नेताओं को उठाया। तो ये ऐसा क्या है कि कोई भी दल जो है किसान की भावनाओं को भुना के उनके साथ खड़ा हो जाएगा, मूवमेंट में उनके साथ जो है समर्थन करेगा, लेकिन जब वो सत्ता में आता है या जब वो जो है राज में आता है तब वो किसानों के खिलाफ लाठियां बरसाएगा, तो किसान आखिर कितनी कीमत अदा करेंगे इसी की, तो ये भी एक देखा जाना जरूरी है। और दूसरी आप एक और बात देखिए, कॉर्पोरेट आप लगभग जो है पिछले कई सालों में लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए का जो है बकाया किसान उद्योगपतियों का और जो है पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, और किसानों के लिए छोटी सी बात के लिए उसे जो है जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या हरियाणा या पंजाब की स्टेट लेवल पे जाके प्रदर्शन करना पड़ता है जी। आप ये देखिए तो ये किस कीमत पर किसान जो है देखिए चुका रहे हैं ये वाकई। और किसानों के देखिए बच्चों का हाल देखिए आप, किसानी जो है खेती से बच्चे वैसे ही जो है दूर जा रहे हैं, और दूसरा किसान परिवार देखिए वो किस भी जाति के हो, आप नॉर्थ इंडिया में ट्रेंड देखेंगे किसानों के बच्चे मोस्टली फौज में, पुलिस में या सेनाओं में मिलते हैं,
अब हालत ये हो गई है कि अग्निवीर और ये अग्निपथ की योजना वगैरह लाके वहां भी जो है इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया। मैं तो हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा में देखिए रोजगार पोषण निगम नाम से एक जो है संघ बना दिया गया निगम, उसमें कच्ची पक्की नौकरी जो है जो एक टीचर है या किसी भी ग्रुप बी सी डी जितनी भी ये भर्तियां करते हैं उसमें हाल देखिए आप, बच्चों के पास रोजगार है नहीं, वो कीमत भी किसान को अदा करनी पड़ रही है, वो कोचिंग के लिए पढ़ाई के लिए जो है किसान अपने बच्चों को शहरों में भेजता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता है, उनके खाने पीने का खर्चा उठाता है, कहीं दिल्ली वो मुखर्जी नगर में भेजेगा, कहीं रोहतक या हिसार के कोचिंग सेंटर में, और उसके बाद नौकरियां हैं नहीं। और कृषि में हालात ये सबके सामने है कि जो लोग कृषि करते हैं, खुद कृषि करते हैं, उनकी हालत ये है कि उनको MSP, अब आप ये देखिए कृषि कानून जब वापस हुए उसके बाद एक कमेटी बनी थी कि अब MSP पे बात करेंगे, आज तक उस कमेटी की एक मीटिंग जो है नहीं हो पाई है। तो MSP कैसे मिले किसानों को, कोई भी सरकार बिल्कुल देना नहीं चाहती है। ये बात बिल्कुल सही है जो राशि जी ने कही या हम लोग मीडिया में है ये कि भाई कारपोरेटीकरण की जो है व्यवस्था की जा रही है, किसान किसी तरह जो है अपनी जमीन बेच के और जो है दास की तरह गुलाम की तरह जो है कारपोरेट का काम करे। तरुण आप, और ये वाकई बहुत बड़ी कीमत किसान चुका रहे हैं इसकी। जी मैं धनखड़ जी ये कहना चाह रहा था कि जो फोगाट जी ने बात कही कि हरियाणा पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने लगभग इकट्ठा लोगों को उठाया, वो इकट्ठा उठाया ही बल बकायदा दोनों प्रदेशों के पुलिसों ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है जी। ये सरकार था कि कोई संयोग था कि उसी टाइम हो रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। जैसे कि कहा भी जाता है कि हिंदुस्तान में कोई भी जो सत्ता पे बैठेगा, हिंदुस्तान की सत्ता जो है वो ऊंट के कुबड़ की तरह से है कि जो भी ऊंट पे सवारी करेगा उसको कमर जो है वो नचानी ही पड़ेगी, हिलानी ही पड़ेगी। तो इसलिए चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए या BJP रहे, कोई भी आए उसको जो है ना उसी तरह से ऊंट की कुबड़ की सवारी करनी पड़ती है और वो उसको अपनी कमर जो है वो नचानी पड़ती है। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ की है, रूल ऑफ केयर की नहीं। तो यहाँ सरकार का जो असली मकसद है वो रूल ऑफ लॉ कायम करना है, जो सत्ता की सुरक्षा के लिए है, ना कि आदमी की सुरक्षा के लिए। यहाँ जरूरत इस बात की है कि आदमी की सुरक्षा हो, आदमी को सुरक्षित जीवन मिले। अमित, सरकारें किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं चाहती, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है? देखिए धनखड़ साहब, पहली बात तो ये है कि सत्ता का चरित्र है वो एक समान होता है। भाई पार्टी बेशक बदल जाए, आदमी बेशक बदल जाए, लेकिन सत्ता अपना चरित्र जल्दी से नहीं बदलती जी। आपका जो मूल सवाल है मैं उसका मरम समझता हूं। किसानों को अपने नेता में एक स्टेट्समैन की जरूरत है। अब मेरी बात समझ रहे हैं भाई, ऐसा नेता चाहिए किसानों को जो स्टेट्समैन भी हो। ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी कर दो और कुछ एक सीमित उसके लिए भाई, जैसे कानून बदलवाने हैं उसके लिए भीड़ इकट्ठी कर दो या गन्ने का जो बकाया भुगतान उसको लेने के लिए आदमी इकट्ठे करो लाखों लोगों को। स्टेट्समैन का काम होता है कि वो किसानों के लिए या उस वर्ग के लिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए कानून ऐसे बना दे कि भविष्य में उनको दोबारा जोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्या चौधरी अगर के बाद कोई ऐसा नेता मैं उसी पे आ रहा हूं। सर छोटू राम जी के बाद ऐसा कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया। हाँ थोड़ा बहुत चौधरी चरण सिंह जी ने जरूर किया था उस दिशा में काम, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। UP उन्होंने काफी काम किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर सर छोटू राम का देखा जाए तो उनका जो कार्य क्षेत्र था वो समग्र पंजाब था, जिसमें पाकिस्तान का भी पंजाब था और हरियाणा का जो ज्वाइंट पंजाब था, तो लगभग ये मान के चले कि आधे भारत का उसमें प्रभाव था, एक आधे भारत इतना क्षेत्रफल था उसका। उन्होंने कानून ही ऐसे बनवा दिए कि लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह के अगर नेता सामने आए जो स्टेट्समैन हो, भाई मैं कुछ आजकल के जो नेता हैं जो चमके हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता,
उनमें इस तरह की वो नहीं है एक चीज या मादा कि वो इस तरह के काम कर सके। ये काम तो स्टेट्समैन ही कर सकता है, और स्टेट्समैन के लिए कूटनीति भी चाहिए, सदन का साथ भी चाहिए, क्योंकि जो कानून बनेंगे तो ये सारी चीजें। मतलब ये हुआ कि आजादी के 76 साल बाद भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ जो किसानों की समस्या को समझ सके, उनके हिसाब से कानून बनवा सके। थोड़ा बहुत देवगौड़ा को कह सकते हैं, लेकिन टाइम उनको भी नहीं मिला। देवगौड़ा एक किसान परिवार से थे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल भी थोड़ा रहा, वो अपना कुछ दे नहीं पाए इस तरह की चीजों में। त्रिशंकु गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, तो वो ज्यादा कर नहीं पाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का कदम उठाया हो कि जो किसान के हित में जाता हो। जी तरुण, आजादी के 76 साल बाद भी सरकार ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पाई जो किसानों को उनका वाजिब हक मिलता रहे, उन्हें बार बार आंदोलन ना करना पड़े? उसका मैं बड़ा सरल और स्पष्ट जवाब दूंगा, वो ये है कि ना तो सरकारों की नीतियां वैसी है ना उनकी नीयत वैसी है। अब आप देखिए, जो ये आप पता की पूरी स्थिति बनी हुई है बाढ़ के कारण, इसमें एक उदाहरण ले लीजिए कि जो पोर्टल बना है उस पर किसान फोटो डालेगा जी। भाई जब हम उस युग की बात कर रहे हैं जहां पर ड्रोन से सर्वे होता है, तो सरकार ड्रोन से सर्वे करवाए और डिजिटल इंडिया की बात करती है, सीधा खाते में पैसे डाल दे जी। लेकिन ये सब बातें, वो बड़ी बड़ी बातें, विश्व गुरु का जो वो एक छलावा और जुमला बना रखा है उसको परोसने के लिए, बड़े बड़े नाम देना इनके लिए सहूलियत का काम है, ये वही करते हैं। अब आप देखिए, ये लोग चंडीगढ़ जा रहे थे तो इन सब को अरेस्ट कर लिया गया। वो अरेस्ट क्यों कर लिया गया कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो तो गुड़गांव के अंदर एक ऐसे कार्यक्रम में व्यस्त है कि हरियाणा का एक युवा लड़का बिग बॉस जीत के आया है, तो उसके कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि बन के वहां पर हाथ उठा रहे हैं। भाई पूरा हरियाणा उस लड़के को बधाई दे रहा है, अच्छी बात, हरियाणा से एक लड़का निकला, मध्यम परिवार से निकला और वहां तक पहुंचा। लेकिन जब पूरे प्रदेश के अंदर एक आपदा की ऐसी स्थिति है तो वहां उन्हें धरनों को सुलझाना चाहिए या उनके कार्यक्रमों में जाना चाहिए? तो ये ना तो इनकी नियत है ना इनकी नीति है, इसलिए ये इस तरीके के काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, एक नेहरा जी ने जो स्टेट्समैन वाली बात कही है उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान में जो है पूरी व्यवस्था बढ़ गई है, जिसमें संविधान के अंदर भी एक आर्टिकल 73 और 74 के तहत थोड़ा बहुत गांव का जिक्र तो होता है, लेकिन मंशा उस पर काम करने की किसी की नहीं होती है। तो वो एक ऐसी ये व्यवस्था बन गई है कि इनका एजेंडा ही ये है कि इनको नेग्लेक्ट किया जाए, इनको बिल्कुल एक साइड में फेंक दिया जाए। ये चाहते हैं अंत में कि लोग परेशान होके इस क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से बाहर निकले और अपनी जमीनों को बेचे और बड़े बड़े फार्म जैसे अमेरिका में है और अन्य विकसित देशों में है, यूक्रेन में बनाने की इनकी कोशिश रही है, इंग्लैंड में डेयरी फार्मिंग के साथ इन्होंने ऐसे ही किया, तो कॉरपोरेट ही उसको चलाए और ये मार्केट के हवाले ये कृषि पूरी चली जाए, तो वो व्यवस्था इनको धीरे धीरे करनी है। मैं एक चीज और जानकारी के लिए जोड़ना चाहूंगा, ये किसानों के नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वो धनखड़ जी, 3 कानून जरूर वापस हुए, लेकिन उन कानूनों को लागू करकर जो काम हो रहा था वो काम जमीन पर आज भी हो रहा है। उसका एक बड़ा सरल उदाहरण है, आप देखिए कोरोना काल आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद थी, उसी दौर के अंदर ये शरद मराठे और ये सब जो काम कर रहे थे उसके तहत अडानी ने और अन्य कॉरपोरेट घरानों ने बड़े बड़े साइलोज बना दिए। तो इस बात की तो पुष्टि हो गई कि ये कानून उनके लिए बने थे, लेकिन क्या वो साइलोज आज हमारी मंडी के अंतर्गत अभी तक आए हैं? नहीं आए। आज भी किसानों को मजबूर किया जा रहा है उन्हीं साइलो में अपनी फसल को रखवाने के लिए। तो यानी कि वो कानून कानूनी रूप जमाना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी लागू हो रहे हैं। और मैं आप एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का मसला झेल रहा है आम नागरिक, वैसे ही 2024 के बाद हरियाणा में फार्मर आईडी का भी एक झमेले आने वाला है। उसको लेकर 12 बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ सरकार ने बकायदा MOU साइन कर लिए। तो इन सारे विषयों को हम तभी जीत सकते हैं, तभी ये पूरी व्यवस्था को, ग्रामीण व्यवस्था को बचा सकते हैं। उसमें एग्रीकल्चर भी है, हमारे कस्बे भी है, सारी चीज जुड़ी हुई है, वो तभी बच सकती है
जब इसको लेकर एक व्यापक वैचारिक आंदोलन तक नहीं खड़ा हुआ, अन्यथा रोज रोज अलग मुद्दों पर हमें ये लड़ाई लड़ते ही रहना पड़ेगा, और सरकार चाहती भी यही। कृषि भूमि लगातार कम हो रही है, किसान पुत्रों का खेती से मोह भंग हो रहा है, पूरी दुनिया अन्न संकट के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में देश के 140 करोड़ आबादी का पेट भरने की जिम्मेदारी किसान की, जाहिर है कि किसान इस जिम्मेदारी को भूखे पेट रहकर तो नहीं निभा सकता। इसलिए सरकार को ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा कि किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी की दिक्कत ना हो, फसलों का उचित मूल्य मिल सके, खराब फसलों के आकलन और उनका मुआवजा जल्द देने का मैकेनिज्म बनाना हो, और यदि सरकार ने खेती किसानी की समस्याओं को दूर करने की दिशा में उचित और कारगर कदम नहीं उठाए तो निकट भविष्य में हमारे सामने ऐसा अन्न संकट आने वाला है जिससे पार पाना किसी भी सरकार के बूते में नहीं होगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नमस्कार।